वैसे भी नोट्स में इनको लिखना जरूरी था, सारे क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2, बिल्कुल तीन तीन चार चार क्वेश्चन है बस। इसमें 5 क्वेश्चन थे, इनका सॉल्यूशन लिखना था। ओके, नाउ आर देर एनी डाउट्स इन दिस एक्सरसाइज 2.1? किसी को कोई डाउट है क्या? तो डाउट है तो पूछ लो जल्दी। सो इन दिस एक्सरसाइज टू, यस सर। हाँ पूछो। इसमें हमने डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखा था कि वेरिएबल का पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर रहना चाहिए, मतलब होल नंबर। और जहाँ भी वेरिएबल का पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन है वो पॉलिनोमियल नहीं रहेंगे। दूसरा चीज हमने देखा कि पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे, डिग्री और उसके फिर अलग अलग टाइप्स हमने देखे, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये टाइप्स वाला चार्ट भी हमने ड्रॉ कर लिया था। हाँ पूछो, डाउट है कोई? हाँ सर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एक्सरसाइज 2.2 के लिए बेसिक जो मैंने पढ़ाया उसमें 2 पॉइंट थे। एक था फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर ये समझो, फॉर एग्जाम्पल, एक वैल्यू पॉलिनोमियल दिया हुआ है इन वेरिएबल एक्स, और हमें एक्स इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू फाइंड करना है। एट एक्स इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी फाउंड आउट बाय सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू 1 हियर। तो यहाँ 1, एक्स की जगह 1 डालने के बाद जो कैलकुलेशन करो, जो वैल्यू आता है, इट इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू 1। और वो वैल्यू अगर 0 आता है तो उस एक्स के वैल्यू को हम 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, सो दैट वी हैव सीन यस्टरडे। तो इस एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चंस है कि सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करो, और दूसरा तीसरा क्वेश्चन है कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ एक्स का वैल्यू है कि नहीं वो चेक करो। ठीक है, इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा आपने बेटा? सर सेकेंड वन। सेकंड में चारों, नहीं सर, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में से 2। 2.1। हाँ ये वाला, यस सर दैट। सी आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट यस्टरडे। नो, यहाँ पे मैं पांचवा लेता हूँ, उसको नंबर बदल के वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। तो यहाँ पे वाई का जो पावर है वो है 2, और यहाँ पे वाई का टर्म नहीं है, मतलब वाई का पावर रहेगा 0। सो वी कैन क्लियरली से दैट इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट्स ऑल। 0 है, 2 है, दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर है मतलब होल नंबर है। ठीक है, सो वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस। आपको ये रूट टू की तरफ मैंने ऑलरेडी बताया कि रूट 7 जो है तो 7 का पावर 1/2 आता है, लेकिन हमें नंबर का पावर नहीं देखना है, हमें वेरिएबल का पावर देखना है। कोएफिशिएंट तो रियल नंबर रह सकता है, रियल नंबर मतलब रैशनल या इरेशनल दोनों रह सकते हैं। सो इट इज अ पॉलिनोमियल। समझ में आया? एनी अदर डाउट? ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 0 ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब आपने अगर पॉलिनोमियल में एक्स के जगह एक पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 आता है, तो
तो उस x के वैल्यू को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सेकंड एक्सरसाइज उसी टाइप का है। यहाँ पे पहले तो पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करो, तो आपको x के जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज, p ऑफ जीरो मतलब y के जगह जीरो डालो एंड सो ऑन। एंड थर्ड क्वेश्चन इज वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, मतलब x के जो भी वैल्यूज दिए हुए हैं वो वैल्यूज पॉलिनोमियल में डाल के देखो और उसका आंसर जीरो आता है क्या चेक करो। अगर जीरो आता है तो हम बोलेंगे इट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर नॉन जीरो आता है तो वी से इट इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, और फोर्थ क्वेश्चन था कि फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें एक्चुअली उन्होंने एक्सरसाइज 2.2 इसमें उन्होंने एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं। सो से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो हम बोलेंगे देयरफॉर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू निगेटिव 5, 5 को राइट में शिफ्ट करो, या फिर उसको हम दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी बोलते हैं कि सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड 5 सब्ट्रैक्ट करने से हमें एक्स का वैल्यू निगेटिव 5 मिल जाएगा। सो देयरफॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज एक्स इज इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैंने 5 डाला तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। ओके, सो लाइक दैट वी कैन फाइंड आउट। ये जो सेवंथ है, सेवंथ इसमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे सी नॉन जीरो रहना चाहिए, हाँ दिया हुआ है सी इज नॉन जीरो एंड सी डी आर द रियल नंबर्स। तो फिर हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को 0 लेते हैं, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, cx is equal to माइनस डी, डी को राइट में शिफ्ट करेंगे और c से डिवाइड करो तो माइनस डी बाई सी, दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी, सॉरी। तो यहाँ ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस है ये दोनों एक्सरसाइज के, इसलिए मैंने दोनों होमवर्क दिया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ये दो थ्योरम हमें पढ़ने हैं आज। बट बिफोर दैट यू हैव टू नो द डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। देखो वैसे देखा जाए तो पिछले साल मैंने फाउंडेशन में आप सब लोगों को चारों ऑपरेशन पढ़ाए हैं, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इन केस इफ यू ऑल डोंट नो दोज ऑपरेशन, अगर आपको पता नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चारों ऑपरेशन पता है, फिर भी एक क्विक रिकैप हम ले सकते हैं, हाउ टू ऐड पॉलिनोमियल्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट पॉलिनोमियल्स, हाउ टू मल्टीप्लाई देम। सो फॉर दैट क्विक रिकैप लेट मी जस्ट गो थ्रू। देखो पॉलिनोमियल्स में पिछले साल हमने ये डिस्कशन लिया था। सो नाउ यहाँ पे दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन, एडिशन वाला कोई क्वेश्चन, ठीक है। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू ऐड द लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स मतलब जिसमें वेरिएबल के पावर सेम रहते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे एडिशन के लिए।
से फॉर एग्जाम्पल इफ आई नीड टू एड If I need to add two polynomials, let's say 3x square minus 7x plus 8 plus 5x square minus 8x minus 9, ये दोनों polynomial को हमें add करना है. तो आप चाहे तो vertical addition ले लो या फिर horizontally add कर सकते हैं. तो एडिशन करते वक्त हम हमेशा लाइक टर्म का एडिशन लाइक टर्म के साथ लेते हैं. लाइक इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक के नीचे एक लिखे, एक्स वाले टर्म और एक कांस्टेंट टर्म जिसके साथ एक्स नहीं है, वेरिएबल नहीं है, उनको हम कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं. सो 3x² + 5x² + 8x² - 7x - 8x - 15x + 8 - 9 - 1. सो दिस इज द आंसर फॉर एडिशन ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स. ये जो दो पॉलिनोमियल है तो ऐसे हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं. और जब हम सब्ट्रैक्शन लेते थे तो सब्ट्रैक्शन में हमें एक एक्स्ट्रा चीज करना रहता है. से हियर देयर आर टू पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल क्यू एंड पॉलिनोमियल पी, उन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन लेना है. तो हम क्या करते हैं, पहला पॉलिनोमियल एज इट इज लिखेंगे, पॉलिनोमियल क्यू ये पूरा लिख लिया. और पॉलिनोमियल पी में हम साइन चेंज करते हैं हर एक टर्म का. तो ये जो प्लस टू एक्स क्यूब है उसका, ऑफ कोर्स लिखते वक्त पहले जिनका पावर सेम है वो टर्म एक के नीचे एक लिखना है, मतलब उनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स एक के नीचे एक लिखना है, एक्स क्यूब वाले, एक्स स्क्वायर वाले, एक्स वाले और कॉन्स्टेंट. एंड वेन वी टेक सब्ट्रैक्शन वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ सेकंड वन. तो सेकंड पॉलिनोमियल के हर एक टर्म का हम साइन चेंज करते हैं. जैसे यहाँ पे 2x क्यूब का हमने माइनस लिया, माइनस का ये प्लस किया, माइनस का प्लस किया, प्लस का माइनस किया. और अभी इन दोनों का हम लेंगे इस साइन चेंज किया हुआ साइन से एडिशन. एक्चुअली स्पीकिंग ये साइन चेंज क्यों करते हैं, तो इसका रीजन यहाँ पे मैंने बताया है कि क्यू प्लस निगेटिव पी. ओके, पॉलिनोमियल क्यू में हम क्यू में से पी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब वी आर एडिंग द एडिटिव इनवर्स ऑफ सेकंड. सेकंड पॉलिनोमियल को साइन चेंज करके हम ऐड कर रहे हैं, वही सब्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है. तो इसीलिए हम साइन चेंज करके उसका एडिशन ले रहे हैं एक्चुअली. तो 1 बाई थ्री माइनस टू इंटू एक्स क्यूब ये आएगा, माइनस 3 बाई फोर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर. बाद में ए एक्स और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब हम कॉमन निकाल लेते हैं और इन दोनों नंबर्स का हम कैलकुलेशन करते हैं. माइनस 5 बाई टू प्लस 5 इंटू एक्स एंड 7 बाई थ्री माइनस एक्स, इन नंबर का कैलकुलेशन. बस इनका कैलकुलेशन करो तो आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा. ये चारों का कैलकुलेशन यहाँ पे किया हुआ है. सो लाइक दैट वी टेक द सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन लेते वक्त सेकंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज करके हमें सब्ट्रैक्शन लेना जरूरी है. फिर मैंने आपको बोला था कि आइडेंटिटी वाले ये जो 10 आइडेंटिटी मैंने पढ़ाए वो सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, आपने वो लेक्चर सुने होंगे. देन वी सॉ the multiplication of two polynomials. So whenever we multiply two polynomials, we multiply just like we multiply the brackets. So उसके लिए एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं. Why am I revising? क्योंकि ये जो चारों ऑपरेशन है ना, addition, subtraction, multiplication and division, these all four operations are very very important for our 9th standard studies. तो इसीलिए मैं revise कर रहा हूँ. रिविजन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन में समझो मुझे एक पॉलिनोमियल एक ब्रैकेट में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस फाइव. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई लाइक दिस टू पॉलिनोमियल्स विथ ईच अदर, ये पहला पॉलिनोमियल पहले ब्रैकेट में, दूसरा दूसरे ब्रैकेट में. सो वी मल्टीप्लाई बाय ईच टर्म टू द सेकंड ब्रैकेट. सो वी राइट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फाइव माइनस थ्री एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव plus 7 into x plus 5. And now multiply to each and every term, x square into x, x cube, x square into 5, 5x square, minus 3x into x, minus 3x square, minus 3x into 5, negative 15x, 7 plus 7x, 7 5 is a positive 35. अभी इसमें जो like terms है उनको जोड़ दो.
एक्स क्यूब क्यूब वाला एक ही टर्म है, स्क्वायर वाले ये दो टर्म है, 5x² माइनस 3x² वो आ जाएगा प्लस 2x², 5 माइनस 3 प्लस 2, x वाले ये दोनों टर्म है निगेटिव 15x प्लस 7x वो आएगा निगेटिव 8x और नंबर एक ही है 35। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दिस इज हाउ वी डू द मल्टीप्लीकेशन एंड देन द लास्ट वन इज डिविजन। सो इन केस ऑफ डिविजन आई विल एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, यहाँ पे जो डिवीजन लेना है उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 21 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, ये क्वेश्चन था सर। यहाँ पे सर हाँ बोलो सर, वो फाइनल आंसर में 15x प्लस 7n प्लस 35 क्यों नहीं लिखा? लिखा है ना ये? देखो एक्स क्यूब वाले टर्म लिख लिए, एक्स स्क्वायर वालों का एडिशन सब्ट्रैक्शन करके लिख लिया, एक्स वाला लिख लिया और नंबर भी लिख लिया 35। अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिवीजन। अभी डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कैसा है कि दिए हुए पॉलिनोमियल को हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो ये जो 900 महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि राइट द पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो समझो फॉर एग्जांपल मुझे ये पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब माइनस 2x, p of x is equal to x cube minus 2x plus 21, sorry minus 21। तो ये polynomial दिया हुआ है, अभी इसको मुझे standard form में लिखना है। So whenever we want to write down it in the standard form, तो standard form में हमें यहाँ पे हर एक power आना चाहिए। जैसे यहाँ पे x cube है, उसके बाद x square का term ये इसमें नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं मतलब वहां पे हम लिखेंगे प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, बाद में एक्स का टर्म आएगा माइनस 2x देन माइनस 21, यहाँ एक्स का पावर 0 आता है, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो जो भी सबसे हाईएस्ट पावर है वहां से लेके हर एक पावर आना चाहिए, तो इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, और इसी का अगर हमने ऐसे ब्रैकेट में लिखा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 2 और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव 21, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म, सारे कोएफिशिएंट जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं हर एक पावर वहां इंक्लूड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं था तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखना जरूरी है। वैसे ही जब हम डिविजन लेते हैं तो डिविजन में ये जो डिविडेंड रहता है, डिविडेंड उसका हर एक टर्म आना चाहिए, एक्स क्यूब वाला, एक्स स्क्वायर वाला, एक्स वाला और कांस्टेंट सारे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला नहीं था तो इसलिए हमने 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा, तो ऐसे डिविडेंड लिख लिया हमने, बाद में डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 यहाँ पे ऐसे लिख लिया। अभी पहला जो डिविजन है हम क्या करते हैं, ये जो एक्स क्यूब है सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म रहता है डिविडेंड का, वो पहले यहाँ पे साइड में, ये रफ वर्क में मैं बता रहा हूँ, ये जो है ये रफ वर्क है। लेट मी शो दिस डिवीजन वंस अगेन, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। सो वी आर डिवाइडिंग एक्स क्यूब प्लस 0x² माइनस 2x माइनस 21 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। So this division we want to carry out. तो सबसे पहले जो highest degree वाला term है dividend का, ये rough में करना रहता है, उससे ये जो divisor का highest degree का term है x, उसको divide करो, तो x cube upon x ये आएगा x square, power 3 minus 1 2 आएगा, तो x square आएगा। ये division लेना है दोनों के highest degree term का,
तो ये जो एक्स स्क्वायर है यही क्वोशेंट आएगा, एक्स स्क्वायर से हमें अभी डिवाइड करना है। और जब आपको याद है कि जब हम डिवाइड करते हैं, समझो मैं 16 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो हम लिखते हैं 3 5 15, और यहाँ 5 और 3 का जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे सब्ट्रैक करते हैं और रिमाइंडर आएगा 1। तो ऐसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर को इस एक्स माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे वो सब्ट्रैक्शन आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3 एक्स स्क्वायर। ये मल्टीप्लीकेशन क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 3। ओके, ये जो क्वोशेंट है क्वोशेंट से डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर। अभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना रहता है तो यहाँ माइनस साइन आएगा या प्लस साइन आएगा, ठीक है। अभी एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा 0। बाद में 0 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर, वो आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर। और ये माइनस 2x माइनस 21 एज इट इज नीचे ले लो ये दोनों टर्म्स। अभी फिर से वैसे ही डिवीजन में वैसे किया हमने, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म 3x स्क्वायर है और यहाँ डिवाइजर का हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म x है, तो x से डिवाइड करो तो 3x स्क्वायर अपॉन x 3x आएगा। तो इसका मतलब प्लस 3x से अभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा अगला जो डिवीजन है, लेकिन यहाँ हमें प्लस लिखना जरूरी है, ठीक है, एडिशन का साइन। अभी इस 3x से इस डिवाइजर को फिर से मल्टीप्लाई करो, 3x into x minus 3, that is 3x square minus 9x. तो ये जो 3x square minus 9x है ये यहाँ पे सब्ट्रैक करना है, माइनस प्लस, सो माइनस 2 प्लस 9 दैट इज पॉजिटिव 7x माइनस 21। अभी यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है 7x, उससे ये जो हमारा डिवाइजर का हाईएस्ट डिग्री टर्म है x, उससे डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड होगा प्लस 7, 7 से मल्टीप्लाई करो x माइनस 3 को तो 7x माइनस 21, 7 इंटू एक्स माइनस 3 7x माइनस 21। और यहाँ माइनस और ये प्लस, ये डिवीजन सबको पता है आई एम अज्यूमिंग, सो लाइक दैट वी हैव गॉट रिमाइंडर एट 0। फाइनल आंसर लिखते वक्त हम ऐसा लिखते हैं, क्वोशेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 एंड रिमाइंडर इज यहाँ पे 0 आया। और एक इम्पोर्टेंट चीज बताना जरूरी है कि जो डिवाइजर रहता है इसका डिग्री यहाँ पे कितना है 1, तो जो रिमाइंडर रहता है रिमाइंडर का जो डिग्री है वो जितना डिवाइजर का डिग्री है उससे एक कम रहना चाहिए। तो इसका डिग्री फिलहाल 0 है क्योंकि इसके साथ x रेस टू पावर 0 आता है ना, इसके साथ x नहीं है मतलब x का पावर 0 है, मतलब डिग्री 0 है। तो हमेशा याद रखना है कि रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से 1 से कम होता है, दिस इज ऑलवेज द केस। तो आपको समझ में आता है कि कहाँ पे डिवीजन स्टॉप करना है, जब रिमाइंडर का डिग्री 1 से कम होगा। ओके, जैसे अगर क्वोशेंट में डिवाइजर का डिग्री 2 है तो रिमाइंडर का डिग्री 1 आना चाहिए, डिवाइजर का डिग्री 3 है तो रिमाइंडर का डिग्री 2 आना चाहिए, 1 कम रहना चाहिए डिग्री। ओके, so that is the division of polynomials. तो अभी अगर आपको ये चारों ऑपरेशन पता हो है then now we can discuss these two theorems. So the first theorem is remainder theorem. Yes, even if remainder is non-zero, still we have to stop the division. हमेशा remainder का degree 1 से कम रहना चाहिए। इसके कुछ examples में आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे remainder 1 आया। remainder का divisor का degree यहाँ पे 1 है और remainder का degree 0 है। degree 1 से कम रहना चाहिए। रिमाइंडर 0 आया, हर केस में रिमाइंडर 0 नहीं आता, ये कुछ एग्जांपल उस टाइप के, बाकी दूसरे भी रिमाइंडर आ सकते हैं। ओके, ऑल राइट, सो प्लीज रिमेंबर दैट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड।
नाउ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको अच्छे से पता रहना चाहिए, क्योंकि इन ये जो दो थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ये दोनों थ्योरम हम यहाँ पे अभी यूज करने वाले। हाथ ऊपर किया क्या प्रथमेश? कौन है रे प्रथमेश गोरे, कुछ पूछना चाहता है? नो सर। ओके मुझे एक चीज और फिर भी कंफर्म करना है, और एक बार मैंने ये जो 10-15 मिनट इन्वेस्ट किए इसमें क्या बोला कि आपको पॉलिनोमियल का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए, सबको आता है कि नहीं? यस और नो? यस सर। सी इफ यू डोंट नो हाउ टू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड द पॉलिनोमियल्स देन प्लीज मैसेज मी, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दोज लेक्चर्स। रियली आपको पता नहीं है तो मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, चैट में नहीं व्हाट्सएप पे। सो आई विल सेंड दोज लेक्चर्स, यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक है? क्योंकि अभी हम वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमने इसीलिए पिछले साल डिस्कशन लिया है। नाउ वी वॉन्ट टू फोकस ऑन द फर्दर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, दिस टू इम्पॉर्टेंट थेरम्स, रिमाइंडर थेरम एंड फैक्टर थेरम, ठीक है? सो वैभव आपको पता नहीं है तो आप वो लेक्चर सुन लेना, मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको लेक्चर भेज दूंगा। नेक्स्ट अभी रिमाइंडर थेरम, ये बहुत ही सिंपल थेरम है। ये रिमाइंडर थेरम जो है, एक्चुअली इट इज अ शॉर्टकट टू फाइंड आउट द रिमाइंडर, ओके? रिमाइंडर फाइंड करने का ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। तो रिमाइंडर थ्योरम का पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में ऐसा दिया रहता है, लेट पी एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल एंड इफ इट इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ए बिलोंग्स टू कैपिटल R, ए कोई तो एक रियल नंबर रहेगा। x माइनस ए से हमने अगर डिवाइड किया, ए बिलोंग्स टू कैपिटल R, देन द रिमाइंडर इज P ऑफ A। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखो समझो। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हमने ये जो डिवीजन लिया वही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे था पी ऑफ एक्स जो है, पी ऑफ एक्स वॉज एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस 21, और ये जो पॉलिनोमियल है इट इज डिवाइडेड बाय, तो ये जो डिवीजन था हमारा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस 21 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर ऐसा डिवीजन है, देखो रिमाइंडर थ्योरम का ये थोड़ा सा लिमिटेशन है कि जो डिवाइजर है वो लीनियर पॉलिनोमियल ही रह सकता है। लीनियर पॉलिनोमियल है तभी हम ये रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं, ओके? सो अभी मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू देखो ये x माइनस ए था जिससे हमने डिवाइड किया, तो अभी ये जो डिवाइजर है x माइनस थ्री है, इसको अगर आप x माइनस ए के साथ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 3 आएगा, ऐसे सोचो। या फिर आप क्या करो, ये जो डिवाइजर है सीधा उसको इक्वल टू 0 ले लो, तो जो x का वैल्यू आता है 3 वो यहाँ पॉलिनोमियल में x के जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वही p ऑफ 3 रहेगा यहाँ पे रिमाइंडर। तो ये जो पॉलिनोमियल p ऑफ x है, यहाँ x के जगह 3 डालना है, तो इसमें x के जगह 3 डाल दो अभी। 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 21, दैट इज 27 माइनस 6 माइनस 21,
27 माइनस 6 21 माइनस 21 जीरो। देखो यही आंसर था हमारा, हमने अभी अभी डिवीजन सॉल्व किया, रिमाइंडर वहां पे भी जीरो ही आया था और रिमाइंडर थ्योरम से भी हमारा रिमाइंडर जीरो ही आया। तो यहाँ से हमें हम ये कैसा बोल सकते हैं कि बिना डिवीजन करके हम रिमाइंडर बता सकते हैं, ये रिमाइंडर थ्योरम का खासियत है। यू डिड नॉट डिवाइड द पॉलिनोमियल्स, यू कैन डायरेक्टली यूज। लेकिन एक इसका लिमिटेशन है कि डिवाइजर जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल ही रहना चाहिए। ओके, सो लाइक दैट दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। सबको समझ में आया क्या रिमाइंडर थ्योरम? इज दिस क्लियर, यस और नो बोलो। कैन यू रिपीट वंस? देखो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल, एक पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड किया किसी एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, तो रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि रिमाइंडर आएगा p ऑफ a। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल हमने लिया x क्यूब माइनस 2x माइनस 21, उसको x माइनस 3 से डिवाइड किया, तो x माइनस 3 को x माइनस a के साथ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 3 आएगा। तो यहाँ पे ये जो a का वैल्यू 3 है तो रिमाइंडर आएगा p ऑफ 3। p ऑफ 3 मतलब इस पॉलिनोमियल में x के जगह 3 डाल दो तो आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 मिला हमें। वही रिमाइंडर हमें एक्चुअल डिवीजन करके भी मिला था, तो रिमाइंडर थ्योरम हमें डायरेक्ट रिमाइंडर दे देता है। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके ऑल राइट। सो अभी ये जो रिमाइंडर थ्योरम है इसको यूज करने के लिए थोड़े से कभी कभी क्वेश्चन में समझो मुझे ऐसा दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं ऑलरेडी एक आधा बुक में से सॉल्व एग्जांपल लेता हूँ ताकि हमारा आंसर करेक्ट आ जाए। देखो यहाँ पे ये डिवीजन उन्होंने दिखाया है लॉन्ग डिवीजन करके और रिमाइंडर माइनस 5 आया है। तो अभी हम लेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू, ये डिविडेंड है 3x रेस टू 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 और यहाँ पे डिवाइजर जो है डिवाइजर इज x माइनस 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस डिवाइजर को इक्वल टू 0 ले लो, x का वैल्यू जो आता है 1 और वही आपको रिमाइंडर निकालते वक्त p ऑफ 1 लेना है बाय रिमाइंडर थ्योरम। p ऑफ 1 मतलब यहाँ x के जगह 1 डाल दो, तो 1 डालने के बाद 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 ये बचेगा, सो माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, यही आंसर आया, यही रिमाइंडर है। ओके, सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। अभी ये वाला क्वेश्चन समझो, मेरे पास ये p ऑफ x दिया हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अभी यहाँ पे डिवाइजर जो है वो है x प्लस 1, यू कैन सी x प्लस 1 इज द डिवाइजर। ऑफकोर्स रिमाइंडर हमें पता है 1 आ रहा है, लेकिन हमारे रिमाइंडर थ्योरम से भी चेक करते हैं कि 1 आता है कि नहीं। हमने क्या बोला कि इस डिवाइजर को इक्वल टू 0 लेने का, तो x का वैल्यू माइनस 1 जो आया वही पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करो, तो रिमाइंडर आएगा p ऑफ माइनस 1, तो x के जगह माइनस 1 डालना है। यहाँ पे अभी इस पॉलिनोमियल में x के जगह माइनस 1 डाला तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस x के जगह माइनस 1 माइनस 1, तो यह आएगा 3 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 2, आंसर इज 1। तो ऐसे हम इजीली जो रिमाइंडर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ए जो ए का वैल्यू है यहाँ पे x प्लस 1 है डिवाइजर, और इसको अगर आपने x माइनस ए के साथ कंपेयर किया, इफ यू कंपेयर विथ x माइनस ए देन यू विल गेट ए एज माइनस 1, क्योंकि इस प्लस 1 को हम माइनस ऑफ माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना झंझट करने से अच्छा है आप सीधा सीधा जो डिवाइजर है उसको इक्वल टू 0 ले लो और जो x का वैल्यू आता है वही हमारा a का वैल्यू आता है। a का वैल्यू हम क्यों पीछे पड़ गए a के वैल्यू के, क्योंकि हमें पता है p ऑफ a रिमाइंडर रहता है।
ओके इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अभी रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हो गया सबको? यस सर। टुडे आई जस्ट रिवाइज्ड ऑल फोर ऑपरेशंस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, चारों ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और हमने पहला थ्योरम आज ले लिया रिमाइंडर थ्योरम। इसका ये स्टेटमेंट और इसके तीन एग्जांपल्स आप लिख लेना, मैं इसके फोटोज ग्रुप पे भेज देता हूँ। ओके सो विद दिस वी विल स्टॉप हियर टुडे, और जिसने भी होमवर्क कंप्लीट नहीं किया आज रात तक कंप्लीट करो। सुबह अगर मुझे आज 9 बजे तक आपका मैसेज नहीं आता, फोटोज नहीं आते, तो आपको सीधा कॉल मिलेगा, यू विल गेट अ कॉल। ओके थैंक यू ऑल। सर तक आई विल सेंड यू द वीडियो, आई विल सेंड यू द वीडियो।